नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर नमस्ते, मैं राम प्रकाश पहाड़े से चितकोट जिला से। नमस्ते हाँ जी, नमस्ते। सर। नमस्ते। बताइए। यही हम भी बीएड 2011 टेट पास हैं, और तो जानकारी मिलती रहती है, यही है थोड़ा सा कि आखिर कब तक कैसे क्या। चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो जो डाले जाते हैं, ऑडियो सुनते हैं। नहीं, यूट्यूब से देखते हैं। अब छोटा सा फोन है, यही क्या कहते हैं, जियो वाला। हाँ, तो YouTube पर सुनते रहते हैं ना, यूट्यूब में तो सुनते रहते हैं। तो सारी जानकारी तो हो ही गई होगी। हाँ, काफी जानकारी। अभी आज सुबह भी हमने डाला है, वो देखा है आपने? नहीं नहीं, आप तो नहीं देख पाए। तो देखिए, जो चीज़ें बताते हैं वो सारी चीज़ें शुरुआत हो गई हैं, और अच्छा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस समय लखनऊ में हैं, वहाँ हाँ सारा हाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इससे अच्छा। संबंधित जो न्यूज़ आए हैं वो हमने आज सुबह डाला है, हाँ तो वो जाकर के वीडियो देखिए, और सारी जानकारी तो वैसे पहले से ही है आपको। हाँ तो हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू होने जा रहा है, इसी के तहत जो है नियुक्ति मिलेगी, अच्छा और अच्छा पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। हाँ अखबार पढ़े थे ना कि इंटरव्यू जो है शिक्षक हाँ वर्ग में, इंटरव्यू डेमो ये पढ़े थे जो है। हाँ अभी हफ्ता भर पहले न्यूज आया है, वो नियम बन गया है, इंटरव्यू होगा शिक्षक भर्ती में। तो पढ़ाई करते रहिए, और इंटरव्यू होता है तो देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं होता तो और अच्छी बात है। तो अच्छा लेटेस्ट न्यूज़ लेते रहिए, और यूट्यूब पर आज सुबह डाले हैं क्या चल रहा है। अच्छा अब ये बीएड हमारा इंदौर से था सन 2011 का, अच्छा और उसी समय हमने बीए क्या कहते टेट भी निकाल लिया था, अच्छा और प्राइवेट विद्यालय से तभी से जुड़े हूँ, अभी भी जुड़े हैं। तो जब बीएड किए उसके बाद आपने टेट निकाल लिया, वो टेट एक्सपायर हो गया था, उसको आजीवन कर ही दिया गया है, हाँ, लाइफ टाइम हो गया। तो वो इसीलिए किया ही गया था कि ये सब जो आगे होने हाँ करना है गवर्नमेंट को होना है, इसमें कोई हाँ, दिक्कत ना आए पीछे वालों को नियुक्ति देने में। ब्रिज कोर्स भी कर लिए हैं 2018 में, जो एनआईएस डीएलएड का अच्छा, ब्रिज कोर्स ये भी कर था लिए कि हैं, हाँ, जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो 6 महीने का कहें ब्रिज कोर्स कर लीजिए। हाँ, चलिए और अच्छी बात है ये तो। तो वो भी कंप्लीट है। सीटेट भी पुनः 2021 में कर लिया है। चलिए सब कर ही लिए हैं, बढ़िया है। बस जो है क्रमशः सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और 2024 में उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, और आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हाँ, बस तैयार रहिए, और लेटेस्ट अपडेट जो भी आ रहा है, जो भी अपडेट्स आते रहे हम डालते रहते हैं, वो सब देखते रहिए, ताकि जो है कोई भी चीज़ कहीं छूटने ना पाए। अच्छा। तो अभी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, यूपी में लखनऊ में आए हुए हैं, अच्छा। और एक नया गजट जो है आना है, जो बीएड जो है गजट था 2018 वाला, वो रद्द हो गया है, नया गजट आना है, हाँ। उसी का इंतजार हो रहा है। अच्छा। उम्मीद है कि फरवरी में नया जो है HECI जो बिल पास होना है, NCT खत्म किया जा रहा है, हाँ। तो HECI वाला बिल फरवरी में पास हो जाएगा उम्मीद है, अच्छा। तो उसके बाद जो है बीएड का नया गजट आ जाएगा। 4 वर्षीय 1 वर्षीय वाला बीएड का वीडियो देखे ही होंगे, डाले थे हम, हाँ। तो 4 वर्षीय बीएड 2 साल से चल ही रहा है, 1 वर्षीय के जो है शुरुआत इस साल कर रहे हैं, अच्छा। तो 1 वर्षीय बीएड इस साल शुरू हो जाएगा। हाँ, जब हम लोग करते उस समय तो एक ही वर्ष ही बीएड था। फिर 2 वर्ष का हो गया था, हाँ, फिर इधर 2 वर्ष का हुआ है, उसके बाद फिर जो है अब 4 वर्ष का हो रहा है। 4 वर्ष का ये इंटर के बाद जिनको करना है तो 4 वर्ष के लिए होगा। हाँ, वो 4 वर्ष का, और अब जो है इस साल से नया शुरू करने जा रहे हैं 1 वर्ष का, अच्छा। तो 4 वर्ष वाला बीएड रहेगा, 1 वर्ष वाला शुरू हो रहा है इस साल, ये बीएड रहेगा, और हाँ 2 साल वाला ऑलरेडी जो चल रहा था उसका भी नया पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है, हाँ वो जो है नया पाठ्यक्रम तैयार करके सौंप दिया गया है, और उसको भी लागू करना है, तो उसके लिए नया बजट आ जाएगा जल्द ही। अच्छा। तो यही बीएड रहेगा, 4 साल, 2 साल और 1 साल वाला, और अन्य सारे कोर्स तो बंद हो जाएंगे। हाँ, ये बीटीसी या डीएलएड आप कह ही रहे हैं कि बंद हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं भाई, गवर्नमेंट कह रही है, राष्ट्रीय शिक्षा हाँ नीति कह रहा है, हाँ हम तो उसमें जो लिखा हुआ है वो बताते हैं ना, तो हम कैसे हाँ कह हाँ रहे वही हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो बस जो है आज का अखबार पढ़िए, कल का पढ़िए, परसों का पढ़िए, लगातार तो न्यूज आ रहे हैं सारे, तो जाकर न्यूज़ देखिए। 1 वर्षीय बीएड का लगातार न्यूज आ रहा है, अभी लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, हाँ, उसका न्यूज आ रहा है,
हाँ तो अपडेट लेते रहिए। बालिका हमारी एक बड़ी वाली कक्षा 11वीं में है, अच्छा, तो ये भी टीचिंग लाइन के लिए कह रहे, तो 12वीं के बाद उसका करवा दे बीएड। तो अभी 11वीं में है, हाँ इस साल 11वीं में है। तो इनको जो है कहिए कभी अपना ध्यान दे पूरी तरह से, अच्छे से जो है 12वीं अच्छे से निकाल लें। हाँ हाई स्कूल में तो इनका बड़े परसेंटेज है, 87% करीब है नंबर, अच्छा, चलिए बढ़िया नंबर है। विद्यालय में पोजीशन है। अच्छा अच्छा, तो इंटर पर बस फोकस करें, ध्यान दें, अच्छे नंबर इसमें भी अच्छा ले आएँ। हाँ इसके बाद जो है वो 4 साल वाले में एडमिशन करा दीजिएगा। अच्छा 4 साल वाला जो है बीएड 2 साल से चल रहा है, अभी कम कॉलेज में है, लेकिन इस साल से अच्छा हर पूरे भारत के सभी राज्य में और जितने कॉलेज हैं प्राइवेट गवर्नमेंट हर जगह ये 4 साल वाला और 1 साल वाला इस साल से दोनों जो है हर कॉलेज में हो जाएगा। तो अच्छा जब तक उनका इंटर होगा कंप्लीट, तब तक जो है आसपास ही जितने कॉलेज हैं सब जगह शुरू हो चुका होगा, तो अच्छा कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा बालक एक कक्षा 3 में है, ये भी अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन चल रहा है, अच्छा, बढ़िया है। और इसका क्या नवोदय की तैयारी शुरू करवा दे क्या, मतलब कक्षा 8वीं में जैसे नवोदय के। हाँ 3 में है ना, कक्षा 3 में है इस साल। तो बस अभी से जो है उनको बढ़िया से जो है कहिए पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें और नवोदय डलवा दीजिए, बहुत अच्छी बात है नवोदय में हो जाता है तो। अपने पहाड़ी में शांति देवी पब्लिक स्कूल है, तो बढ़िया अपने क्लास में 90% ला के जो है प्रथम पोजीशन है जो है अपने क्लास में। तो बस इनका टारगेट रखिए नवोदय, एक हाँ बार नवोदय में एडमिशन हो जाएगा तब तो फिर जो है इंटर तक की टेंशन खत्म। एक बालिका है तो 7वीं में परीक्षा जो है दी है इस साल, तो वो भी अच्छा, ठीक है जो चलिए सही है, सारे है। बच्चे जो है ठीक ठाक हैं पढ़ने में, कुछ तो मायने पुलिस का ये निकला है तो उसमें डाले हैं, तो इसमें कैसे क्या है, पुलिस का निकला है, किसको डालना है? बहने को जो है, तो अभी जाति वात सही नहीं बना था उस, तो अभी कंप्लीट हो रहा है। हाँ अच्छा, तो पुलिस भर्ती पर 2-3 वीडियो बना करके हम डाले हैं, उसमें हाँ सारा जो भी डिटेल है सारी जानकारी उसमें हम दिखाए हैं बताए हैं, वो देख लीजिए और जाकर के वेबसाइट पर अच्छा कहाँ से क्या चीज़ डाउनलोड करना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, वो भी हमने बताया वीडियो में, सब देख लीजिए और फिर जब पहले रिटर्न ये निकालें फिर उसके बाद अन्य प्रक्रियाएं हैं। तो विज्ञापन को डाउनलोड करके फॉर्म डाल दें और विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, अच्छा उसमें जो कुछ भी है जैसे भी है सिलेबस वगैरह देख करके तैयारी शुरू कर दें। हाँ तो कह दीजिए कि 2-3 वीडियो हमने डाले हैं इससे पुलिस विभाग पुलिस भर्ती संबंधित, वो दो अच्छा तीन वीडियो अच्छा देख लें, उसमें सारी जानकारी दी गई है। हाँ चलिए और कुछ? हाँ बस यही जानकारी लेना था। ये बच्चे परेशान रहते हैं, आप बहुत दिन से कह रहे हैं कब तक कम तक, तो मगर देखिए मैं सर जी से बात आपके सामने जो है। हाँ तो तो बच्चों से कहिए कि भाई धैर्य रखा करें और अपना प्रयास हाँ करें, बाकी जो है ऊपर वाला जो है सब कुछ जो है धीरे धीरे देगा, सब कुछ कराएगा। अब लगे हैं शुरू से, अब यह है कि जो है किसी तरह बंद नहीं किए हम, टीचिंग लाइन में शुरू से लगे हैं। तो बस आप भी हाँ लगे ही हैं, तो हाँ जो अब तक का अनुभव है उसका लाभ मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी में। इनको भी पढ़ाते रहते हैं कि ये भी अच्छे नंबरों से आगे जो है कुछ कर सकें। चलिए अच्छी बात है, आप टीचिंग लाइन में हैं, आपका भी हो ही जाएगा और ये बच्चे भी जो है क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने में अच्छे ही हैं। बिटिया का करा दीजिएगा एडमिशन इंटर के बाद 4 साल वाले में, अच्छा और जो बाकी दो बच्चे हैं उनका जिसमें इंटरेस्ट हो इंटर में, अरे नवोदय में, वो 3 वाले का हाँ करा दीजिए एडमिशन, फिर अच्छा आगे अच्छा जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें ये लोग खुद ही चले जाएंगे। हाँ और आप इस चलिए। समय बनारस में हैं सर। अच्छा, चलिए और कुछ तो नहीं? बस बस यही जान सारे संख्या हम समाधान हो गया, तो वही मार्च अप्रैल तक मान के चलिए कि सारी चीजें टीचिंग में। हाँ, जब सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं क्रमशः धीरे धीरे सारे न्यूज आ रहे हैं, अच्छा। तो बस अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक ठीक है अच्छा नमस्ते थैंक यू सर। नमस्कार।